Hey guys, this is Kamal Kishore Saini and today we are talking about Central University of Rajasthan. Okay, मेरे धोरा वाली धरती, right? So इसके बारे में आज अपन complete के अंदर discuss करने वाले हैं, क्या कितने marks आपको लाने पड़ेंगे, कैसा ये university है, application form कब release होने वाला है, कैसे आप इसके अंदर admission ले सकते हो, okay? और यार पिछले 3-4 साल से हम इसके जो counseling कर रहे हैं, क्या सारा scene है Central University of Rajasthan का. आई बिलोंग टू राजस्थान, धोरा वाली धरती, केसरिया. आपने सुना होगा यार. अगर अपन बात करें एजुकेशन की राजस्थान के अंदर तो रियली ऑसम, जस्ट लाइक कोटा, सीकर, जयपुर, अजमेर. ओके, सो यार यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है. राजस्थान में हर कोई आना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन बात यही है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर कोई दिल्ली का बच्चा है, पंजाब का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, राजस्थान आके अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ना तो बहुत अच्छी है बात है, लेकिन हाँ एडमिशन ले पाना बहुत ही मुश्किल काम है गाइस, वो भी स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें. बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वारी थी मेरे पास कि क्या भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में क्या हम CUCET के थ्रू बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं. बिल्कुल नहीं ले सकते गाइस. जैसा कि इतने साल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीटेक में एडमिशन देती थी CUCET के अंदर, लेकिन 2021 के अंदर वो जो है बीटेक की सारी सीटें जो है वो फिलिंग होती है जोसा के थ्रू और CSEB के थ्रू. आपको अगर CUCET से यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज या फिर BSc एंड अदर BVOC वगैरह जो भी कोर्सेज अवेलेबल है आप उन पे एडमिशन ले सकते हो. बीटेक के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको या तो JEE मेन में बहुत अच्छे मार्क्स ला के आप जोसा और CSEB के थ्रू JEE के अंदर आ सकते हो, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन ले सकते हो. सबसे ज्यादा जो कंपटीशन जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है कोर्स की वो है यार जो PG वाले बच्चे हैं या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले बच्चे हैं, जैसे कि MSc मैथमेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी एंड MSc फिजिक्स. ओके, सो इन सब कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और मतलब बच्चे एकदम ऐसे उठ 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 के पढ़ रहे हैं इस कोर्सेज पे कि भैया ये तो मुझे ही लेना है, ये तो मुझे ही लेना है. तो यार इन कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी NTA में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे अंदर नंबर 1 पे आता है, चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ का माहौल हो, चाहे वहाँ का एनवायरमेंट हो, चाहे वहाँ की फैकल्टी हो, चाहे वहाँ का टीचिंग हो, चाहे वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, सबके अंदर नंबर 1 पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. सो हम जो है उसको पूरे 10/10 मार्क्स देंगे. ओके गाइस, तो अब रही बात कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्रेश कोर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसके बारे में भी कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं. यार बहुत सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग क्वारी करते हैं मेरे पास कि भैया क्या पढूं, मतलब मैंने अभी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मैं 12th पास कर रहा हूं, मैं 12th की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं इसके लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या पढूं, कहां से पढूं. सो यार इसके लिए ना हमने बेसिकली 2 प्लान लॉन्च किए हैं अभी. ओके, एक नॉर्मल प्लान है, एक प्राइम मेंबरशिप प्लान है. प्राइम मेंबरशिप प्लान अगर आप हमारा लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं आपको पहले तो खूब घिस घिस के सिखाएंगे, हमारी टीम जो भी है खूब सिखाएगी तुमको, पकड़ पकड़ के सिखाएगी, एकदम रगड़ देगी पकड़ पकड़ के. ओके, देन जो है तुम्हारी जो भी 0 से लेकर लास्ट तक एंड मोमेंट तक जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे के अंगुली पकड़ के रखेंगे. ओके, देन अगर बाय चांस अगर आपके मार्क्स अगर कम आते हैं कुछ थोड़े बहुत और अगर एडमिशन नहीं भी हो पाता है, देन 15 लाख प्लस LPA के गवर्नमेंट टॉप कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन करा दिया जाएगा और आपकी जो भी CUCET की फीस है वो रिफंड की जाएगी और फ्री ऑफ कोर्स इंडिया के टॉप गवर्नमेंट तो लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट पैकेज वाले कॉलेज के अंदर आपका जो है एडमिशन कराया जाएगा. हमारी टीम की तरफ से 100% ये शॉर्टी ओपनली मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं आपके लिए, ऐसा जनरली कोई नहीं बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपके लिए. सो यू कैन एनरोल नाउ रिगार्डिंग दिस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज राजस्थान. यार राजस्थान का तो दिस इज जस्ट लाइक ये पंजाब है, हरियाणा है, मुंबई है,
कहाँ लगते हैं हमारे कोटा के गाइस, कुछ नहीं, राजस्थान इज द बेस्ट, ऑल इंडिया राजस्थान इज द बेस्ट गाइस। ओके सो अगर आप राजस्थान आते हैं तो आइए, स्वागत है, आप हमारे राजस्थान में घूमने भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, हवा महल में आइए, जंतर मंतर वेदशाला में आइए, सब जगह आइए, आप घूमने आइए राजस्थान के अंदर। ठीक है, हमारा राजस्थान बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पंजाब हरियाणा की तरह थोड़ी ऐसे कुछ है। ठीक है, तो रही बात आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म अभी जस्ट लास्ट वीक को मार्च के अंदर रिलीज हो रहा है, आप उसको जो है फिल जरूर करें। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी जो भी चीज चल रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियां जो है अलग अलग टेस्ट लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अपडेट नहीं आ जाता ऑफिशियली, आप किसी भी कुछ भी तुक्केबाजी बातों पर विश्वास ना करें। जो है 15 मार्च को लास्ट अपडेट किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो आप जो है उसको विजिट करते रहे। अब अपन चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे और देखते हैं यार ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है अभी। ओके सो गाइस, अपन को जो है किसको, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ओपन है एकेडमिक करना सेलेक्ट करने हैं ना आपको। इस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम फीस है, हॉस्टल आपको अवेलेबल है, जो है कैंपस के अंदर बैंक वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, ओके डिलीवरी है, सब कुछ हॉस्पिटल है, टोटल है। ओके देन जो है यहाँ पे जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ओके इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपके यूजी कोर्सेज से ज्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि इंटीग्रेटेड क्या होता है तो गाइस आपको जो है यूजी कोर्स और पीजी कोर्स साथ में करवाया जाता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री कोर्स है जिसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी है गाइस इसकी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी हमें कोविड के टाइम पे और आने वाले फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस है, ओके एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टेटिक्स है, बहुत सारे पत्तों को पता नहीं पता होगा स्टेटिक्स क्या होती है गाइस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक हमारा मैथमेटिक्स होता है वैसे स्टेटिक्स होता है। देन केमिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ओके सो ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड कोर्स है। देन पीजी वाले जो भी बच्चे हैं जिसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है गाइस, मीडिया एंड राइटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, फ्यूचर में इसको बहुत ज्यादा है, ओके हिंदी इंग्लिश ये क्या क्या दे रखा है जो भी है कोर्सेस है, पैरामेडिकल केमिस्ट्री, ओके एंड एस्ट्रोफिजिकल साइंस, बहुत सारे कोर्सेस है पीजी के अंदर तो, ओके और जिन बच्चों को बीटेक करनी है इस यूनिवर्सिटी से तो यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोसा और सीएसएबी में अप्लाई करना है, जेई मेन में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तब जो है आप जाके इसके अंदर बीटेक की डिग्री ले सकते हो। अगर आप सीयूसीटी एग्जाम दे रहे हो तो सीयूसीटी से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीटेक कोर्सेज, ओके उसके लिए आप सिर्फ जेई के थ्रू आ सकते हो। ओके सो आई होप आपको राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी में बहुत मजा आया होगा। ओके और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर बहुत अच्छे कंडीशन पे ये है, इतने साल जो भी जितने भी ये जो होते थे एग्जाम वगैरह सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ही कंडक्ट कराती थी, उसके बाद में इस 2021 में NTA को सौंप दिया है सारा का सारा कार्यक्रम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, लेकिन इतने साल जो सारा का सारा कार्यक्रम देखती थी वो जो अजमेर में किशनगढ़ में सिचुएटेड है, दिस इज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ओके और बहुत सारे लोग इसके आसपास भी होंगे तो यार इसके सेंटर्स भी NTA के तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल है ही, प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ हमारी टीम आपको करवाएगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का दिया गया है, आप वहाँ पे बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जस्ट गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका बाई चांस अगर एडमिशन नहीं करवा पाते हैं तो हम रिफंड की पूरी गारंटी लेते हैं और हाँ आपको एक अच्छे रेपुटेटेड बहुत ही ज्यादा प्लेसमेंट वाले कॉलेज के अंदर हम ट्राई करेंगे आपका एडमिशन करा सके। इसी के साथ हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच।